चलो अपना जो चैप्टर है वो क्या है, अकाउंटिंग फॉर हिंदी में बोलना, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। देखो इसमें ना हमने क्या करना है, एक प्रोडक्ट हम जिसको स्टार्टिंग में हमने कल पढ़ा था कॉस्ट क्लासिफिकेशन, है ना, ये दिखा था कि कॉस्ट प्रोडक्ट की, है ना, यही चीज देखी थी। अब ये क्या बात करेंगे कि चीज को लेके आने का खर्चा, मटेरियल की कॉस्टिंग, है ना, अकाउंट्स फॉर इन्वेंट्री है ना इसका मीनिंग। अब मटेरियल्स को लेके आने के लिए मतलब टोटल मटेरियल की जो कॉस्ट हमें पड़ेगी वो कैसे पड़ेगी। कल तो हमने पढ़ा था एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा जो प्राइम कॉस्ट है ना, उसमें इनडायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स ये सब कुछ पढ़ा था। अब चीज को खरीद तो लिया, ठीक है, उसको लेके भी आओगे, उसको ऑर्डर भी करोगे, उसको होल्ड भी करोगे अपने पास, तो इस तरह से उसका कितना आपको कॉस्ट पड़ेगा, तो वो चीज क्या पड़ेगी। देखो टोटल कॉस्ट होती है जो मटेरियल की वो किसके को होती है, तो परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मतलब क्या, कि जितने की वो चीज के लिए आपने पेमेंट करनी है ना, मैंने 100 यूनिट परचेज की, 100 यूनिट के लिए एक यूनिट अगर 100 की है तो कितनी हो गई, 10,000। मतलब परचेज कॉस्ट कितनी है मेरी, 10,000। एक होती है इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट, चीज को ऑर्डर करने का खर्चा, मैंने सामान को ऑर्डर किया, सामान ट्रक में आएगा, ठीक है, सामान ट्रक में आया तो ट्रक को खर्चा दूंगी मैं लोडिंग के लिए, फिर उस सामान को ट्रक से उतरवाऊंगी भी, अनलोड भी करवाऊंगी, पहले लोड भी करवाया होगा, फिर अनलोड भी करवाया, कैरेज का भी पैसा दिया, तो सारा किस कॉस्ट में आ जाएगा, ऑर्डरिंग में, ठीक है। एक आता है हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट, या कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं या होल्डिंग बोलते हैं, होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट। अब मैंने सामान मंगवा तो लिया, तो मैं ये तो नहीं आके सड़क पर ही रख दूंगी, कहीं ना कहीं तो उसको रखूंगी, किसी गोडाउन में रखूंगी, ठीक है, कोई ना कोई हॉल होगा मेरे पास जिसमें मैं उस सामान को रखूंगी। तो होल्ड करने का खर्चा, अगर मैंने गोडाउन में रखा है तो कोई ना कोई मेरे पास स्टोर कीपर भी होगा जो उसका टेक केयर करेगा, तो वो सारे खर्चे किसमें जाते हैं, होल्डिंग कॉस्ट में, या हम उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। इस पूरे चैप्टर का क्रक्स, मतलब हाफ चैप्टर का, पूरा नहीं कह सकते हम, हाफ चैप्टर का जो क्रक्स है वो यही है कि टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, जो हम ये तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है ऑर्डरिंग, रिसीविंग एंड इशूइंग द इन्वेंट्री। इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन्वेंट्री में बी द लार्जेस्ट आइटम ऑफ द कॉस्ट, है ना, इन्वेंट्री सबसे बड़ा आइटम है, ठीक है, हमें होल्ड करके रखनी पड़ेगी ना इन्वेंट्री। अगर मान लो मैं किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ तो मुझे रॉ मटेरियल पहले से अवेलेबल करा के रखना पड़ेगा, कि ये तो नहीं कि जब रॉ मटेरियल खत्म हो गया बस साथ ही साथ तब परचेज करूंगी, नहीं, तो मुझे पहले से लाकर उसको अपने गोडाउन में रखना पड़ेगा ताकि मेरी मैन्युफैक्चरिंग रुके ना। क्योंकि देखो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं उनमें एक बार कभी स्ट्राइक्स हो जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई है कि रॉ मटेरियल पहुंच नहीं पा रहा, ठीक है, जैसे पीछे है ना किसानों के टाइम पे वो चल रहा था कि कभी कोई रोड जाम है, कभी कोई रोड जाम है, तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही अपनी इन्वेंट्री को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, ताकि उनको इन फ्यूचर जब भी वो मैन्युफैक्चरिंग करें उनको ये प्रॉब्लम ना आए कि उनके पास इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है, और वो मैन्युफैक्चरिंग रुके, फैक्ट्रियां बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इन्वेंट्री जो है बिजनेस को चाहिए क्यों होती है, व्हाई अ बिजनेस नीड्स इन्वेंट्री और एज फॉलोस, इट एक्ट्स एज ए बफर इन टाइम्स व्हेन देयर इज अनयूजली हाई रेट ऑफ कंजम्पशन। देखो अगर आज आपकी सेल कम है, हो सकता है आने वाले टाइम में एकदम से बढ़ जाए, ठीक है, उस केस में अगर सेल बढ़ जाएगी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बनानी है तो आपके पास रॉ मटेरियल इन बफर होना चाहिए, तो उस केस में आपकी इन्वेंट्री यूज हो जाएगी। इट इनेबल्स द बिजनेस टू टेक द एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट बाय बाइंग इन बल्क, है ना, अगर मैं रोज के 10 यूनिट 20 यूनिट परचेज करूंगी तो मुझे वो डिस्काउंट थोड़ी ना अच्छे से देगा, पर अगर मैं बल्क में परचेज करूंगी, ट्रक भरकर सामान मंगवाऊंगी, तो इससे मुझे क्या होगा, बफर डिस्काउंट मिल जाएंगे। The business can take the advantage of seasonal and other price fluctuations. तो कहते business को advantage होती है किस चीज की? हाँ, और अदर कि आजकल प्राइस कम है, आने वाले टाइम में बढ़ जाएंगे तो हम पहले से परचेज करके रखें इस चीज। And delay in the production cost by the lack of the part is kept to minimum. कहते अगर कोई भी delay हो production में किसकी वजह से, कि by the lack of parts, ठीक है, is kept to a minimum. कि किसी भी चीज पार्ट्स का मतलब है कि प्रोडक्शन में जो भी चीज यूज हो रही है उसमें के किसी भी पोर्शन में कमी नहीं आनी चाहिए, कि उसकी वजह से प्रोडक्शन डिले नहीं होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए कि उसकी वजह से कोई डिले हो, ठीक
ठीक है, सो प्रोडक्शन प्रोसेस में फ्लो स्मूथली एंड एफिशिएंटली, कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल सही तरीके से चलता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. इट मे बी नेसेसरी टू होल्ड द इन्वेंट्री फॉर अ टेक्निकल रीजन, फॉर एग्जांपल सम फूड आइटम्स नीड टू मैच्योर. कहते हैं हमें कई बार इन्वेंट्री को एक टेक्निकल रीजन की वजह से भी होल्ड करना पड़ता है, जैसे कि कुछ फूड आइटम्स कि उनको में, जैसे हमने कच्चा केला परचेज करके रख लिया, उसको पकने में टाइम भी तो लगेगा. ये तो है ना कि आज ही परचेज करके कल सेल कर दोगे, नहीं. ठीक है ना, रॉ मटेरियल परचेज करोगे उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर वो पकेगा, उसके बाद ही आप सेल कर सकते हो. तो इट इज एसेंशियल दैट मटेरियल परचेज्ड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द इंटेंडेड पर्पस. कहते जो आपने मटेरियल परचेज किया वो सुटेबल हो. व्हेन द मटेरियल इज रिक्वायर्ड इट इज मस्ट बी ऑर्डर्ड रिसीव्ड बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट रिकॉर्डेड इश्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट दैट रिक्वायर्स इट एंड इवेंचुअली पेड फॉर इट. कहते जब भी आपको मटेरियल की जरूरत होगी तो आप उसको ऑर्डर करोगे, ऑर्डर करोगे फिर आपके स्टोर में वो रिसीव होंगे. कौन रिसीव करेगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट. ठीक है, रिकॉर्ड करेगा. देखो जब आपके पास सामान आ गया, जब स्टोर्स वाला डिपार्टमेंट वो रिकॉर्ड भी तो करेगा ना कि हाँ जितना सामान हमारे पास पहुंच चुका है, तो उसको आप किसको दोगे? फिर आपके स्टोर से कहां पे जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास. दैट रिक्वायर्स इट एंड इवेंचुअली पेड. दिस प्रोसेस नीड अ ग्रेट डील ऑफ पेपर वर्क एंड स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल. तो बहुत सारा पेपर वर्क भी है, उसके ऊपर बहुत कंट्रोल भी रखा जाता है. इंटरनल कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ फुल डॉक्यूमेंटेशन होगी, appropriate authorization होनी चाहिए सारी transactions की, movement of materials and of all the requisitions, order receipts and payments. चलो next thing. If the control is to be made, कहते अगर हमने control किसके ऊपर रखना है? अपनी purchasing के ऊपर. तो क्या चीजें necessary हैं कि हमें क्या देखना चाहिए कि हमने जो जरूरी चीजें वही परचेस की, कि फालतू का सामान तो नहीं परचेस करके रख लिया जिसकी हमें जरूरत ही ना हो, तो हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा ना. ऑर्डर्स आर प्लेस्ड विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट सप्लायर आफ्टर कंसीडरिंग द प्राइस एंड डिलीवरी डेट. कहते जो ऑर्डर्स आपने प्लेस किए हैं उसको आपने किसके पास, किससे परचेस करना है? जो बहुत ही एप्रोप्रिएट मतलब सही वाला सप्लायर हो, आफ्टर कंसीडरिंग प्राइस की भी कंसीडरिंग करनी है. ये नहीं है कि हम जी बता किया कि यहाँ पे सामान मिल रहा है जाके परचेस कर लूं, नहीं. पहले दो तीन जगह से पता करो, जहां पर सस्ता मिलेगा वहां से परचेस करो, बट आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ठीक है, एंड ऑन डिलीवरी डिटेल्स, कि वो आपको डिलीवरी जो हो रही है, ठीक है, हो सकता है एक जगह सामान जो है आपको सही रेट, कम रेट पे मिल रहा हो, सही कम रेट पर भी मिल रहा हो. ठीक है, दूसरा ये पॉइंट के क्वालिटी भी ठीक मिल रही हो, बट ये भी हो सकता है कि वो जगह दूर हो और उसको लेके आने में ज्यादा खर्चा पड़ रहा हो, तो ये चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी ना. ठीक है, द ऑर्डर्स आर प्लेस्ड विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट सप्लायर आफ्टर कंसीडरिंग द प्राइस एंड द डिलीवरी डिटेल्स. क्लियर है पॉइंट? द गुड्स दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड आर द गुड्स दैट वर ऑर्डर. ठीक है, जब गुड्स रिसीव कर लोगे तो उसको मैच करोगे जो हमने ऑर्डर की थी वैसे ही पहुंची है कि नहीं, इन द करेक्ट क्वांटिटी एंड द क्वालिटी. एट द प्राइस पेड फॉर द गुड्स इज करेक्ट, कि जो हम प्राइस पे करेंगे गुड्स के लिए वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए. दैट इज व्हाट वाज एग्रीड व्हेन द ऑर्डर वाज प्लेस्ड, कि जो भी हमने जब ऑर्डर प्लेस किया था उस टाइम एग्रीमेंट हुआ था. टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ दिस टेक प्लेस रिक्वायर्स अ रिलायबल सिस्टम ऑफ चेकिंग एंड कंट्रोल. कहते हैं इसको इंश्योर करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक रिलायबल सिस्टम चाहिए चेकिंग और कंट्रोल के लिए. एंड द प्रोसीजर फॉर द ऑर्डरिंग परचेजिंग एंड रिसीविंग मटीरियल आर एज़ फॉलो. तो कौन सा प्रोसीजर है? देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द यूजर ऑफ द गुड्स वो यूज करेगा. ठीक है, देखो एक सबसे पहले तो क्या है, देखो एक्सटर्नल सप्लायर. ठीक है, वो किसके उस जब हम ऑर्डर देंगे कि हाँ जी हमें ये चीजें चाहिए, ठीक है, तो सप्लायर हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट में सामान पहुंचा देगा. डिलीवर द गुड्स टू द स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड सबमिट द परचेज इनवॉइस. ठीक है, फिर ये गुड्स कहाँ पे जाएंगी? प्रोडक्शन के पास. इश्यू द गुड्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, ऑर्डर्स फ्रॉम द स्टोर्स डिपार्टमेंट यूजिंग अ गुड्स रिक्विजिशन नोट. ठीक है, देखो ऑर्डर करेगा, कहाँ से आएगा ऑर्डर? स्टोर्स डिपार्टमेंट से. किसके थ्रू आएगा? गुड्स रिक्विजिशन नोट के साथ. रिक्विजिशन गुड्स फ्रॉम द परचेजिंग डिपार्टमेंट यूजिंग अ परचेज रिक्विजिशन. ठीक है, स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले परचेज वाले को क्या देंगे? परचेज रिक्विजिशन देंगे कि हाँ जी हमने ये गुड्स परचेज की. ठीक है जी, अब देखो ये सारा कुछ ना इसमें क्लियर कट दिया हुआ है. सबसे पहले है गुड्स और मटीरियल रिक्विजिशन, इसके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं कि हाँ जी इसके बीच में क्या चीजें इंक्लूड होती है. गुड्स और मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स कौन इशू करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, कौन इशू करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. दिस पर्पस इज टू ऑथराइज द स्टोर कीपर टू रिलीज द गुड्स व्हिच हैव बीन रिक्विजिशन. कहते हैं जिसके लिए रिक्विजिशन आ चुकी है वो आप ऑथराइज कर दो कि हाँ जी आप ये गुड्स क्या कर दो, रिलीज कर दो. दे मे बी यूज टू अपडेट एंड, देखो इस चीज का वो क्या यूज करेंगे? अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, अपने जो रिकॉर्ड्स है उसको अपडेट करेंगे. इफ द मटेरियल इज अवेलेबल फॉर द इंस्टेंट रिलीज, कि हाँ कि उनके पास ये मटेरियल अवेलेबल है कि वो साथ के साथ उसको रिलीज कर दें.
ठीक है, अब परचेज रिक्विजिशन इज कंप्लीटेड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट। कहते हैं जो परचेज, देखो पहले तो था मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स, ठीक है, मतलब वो चेक करेंगे कि उनके पास वो मटेरियल अवेलेबल भी है कि नहीं। फिर उसके बाद परचेज रिक्विजिशन, ये कौन कंप्लीट करके देता है? स्टोर डिपार्टमेंट वाले, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑथराइजेशन बाय द रेलेवेंट मैनेजर एंड सेंड टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट। फिर ये आगे किसको जाएगा? परचेज डिपार्टमेंट को। ऑन द रिसीट ऑफ द प्रॉपरली ऑथराइज्ड रिक्विजिशन द परचेजिंग डिपार्टमेंट विल सिलेक्ट द सप्लायर। देखो परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि उसने सिर्फ सप्लायर को सिलेक्ट करना है और ऑर्डर देना है, ठीक है। कहते हैं उसके पास एक रिक्विजिशन आएगी जो प्रॉपरली ऑथराइज्ड होगी कि हाँ जी आप इतना गुड्स मंगवा लो, तो परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को सिलेक्ट करेगा और एक ऑर्डर क्रिएट करेगा, उसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। उसके बाद द परचेज ऑर्डर फॉर्म इज सेंड टू द सप्लायर। अब जो परचेज ऑर्डर फॉर्म उसने प्रिपेयर कर दे, वो किसको देगा? सप्लायर को। एंड कॉपीज आर ऑल्सो सेंड टू द अकाउंट डिपार्टमेंट। अब देखो मैं मान लो परचेज अकाउंट के डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरे पास मटेरियल एक्विजिशन की स्लिप आई कि हाँ जी इतना मटेरियल चाहिए हमें, है ना, तो मैंने सप्लायर सिलेक्ट करके ऑर्डर पास कर दिया कि हाँ जी, तो मैं उसको जो मैंने परचेज ऑर्डर बनाया होगा वो एक तो मैं किसको दूंगी? सप्लायर को। दूसरा मैं किसको दूंगी? अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कि हाँ जी इस एंट्री को रिकॉर्ड करो। और तीसरा किसके पास जाएगा? स्टोर डिपार्टमेंट के पास, कि आपके पास ये सामान पहुंचने वाला है। क्लियर है पॉइंट? ऑन द रिसीट ऑफ द गुड्स, कहते हैं जब आप गुड्स को रिसीव कर लोगे द स्टोर डिपार्टमेंट, तो जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा? चेक करेगा गुड्स को कि हाँ जी जो परचेज ऑर्डर था बिल्कुल उसके साथ मैच हो रही है गुड्स। एंड चेक द डिलीवरी नोट विद द कंप्लीशंस व्हिच कंपनीज द गुड्स। और किसको चेक करेगा? डिलीवरी नोट को। फुल डिटेल्स ऑफ द गुड्स आर देन एंटर्ड इनटू अ गुड्स रिसीव्ड नोट। कहते हैं फिर पूरी गुड्स की जो डिटेल है वो किसके ऊपर जाएगी? गुड्स रिसीव्ड नोट के ऊपर। क्या है ये? GRN। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि पूरी डिटेल्स किस में जाती है? गुड्स रिसीव नोट के। उसका जो GRN की कॉपी है वो किसके ऊपर साथ अटैच की जाती है? परचेज ऑर्डर के साथ। और फिर ये दोनों चीजें किसके पास जाएंगी? परचेजिंग डिपार्टमेंट के साथ। और इसको किसके साथ मैच किया जाएगा? सप्लायर्स के परचेज इनवॉइस के साथ। ठीक है कि ठीक भी आया सब कुछ? वंस अप्रूव्ड द परचेज इनवॉइस कैन बी पेड। ठीक है ना, फिर उसको अप्रूव करके हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। अदर डॉक्यूमेंटेशन में क्या आ जाता है? देखो मटेरियल रिटर्न नोट्स, ये किसके लिए यूज होता है? रिकॉर्ड एनी अनयूज्ड मटेरियल, जो हमने वापस कर दिया, यूज ही नहीं हुआ, स्टोर्स में वापस चला गया वो। मटेरियल ट्रांसफर नोट्स डॉक्यूमेंट्स द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू अनदर। गुड्स रिटर्न नोट्स यूज टू डिटेल व्हाट इज बीइंग रिटर्न टू द सप्लायर। द गुड्स मे बी डैमेज्ड और नॉट एज ऑर्डर। ठीक है ना, गुड्स आपके जो आपके पास पहुंचे हैं वो ठीक नहीं पहुंची है, जो आपने ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर की थी वो नहीं है, या क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप क्या इश्यू करोगे? गुड रिटर्न नोट। क्रेडिट नोट्स आर रिसीव्ड इफ द गुड्स हैव बीन रिटर्न टू द सप्लायर और देयर इज अ फॉल्ट विद द इनवॉइस। कहते हैं जो क्रेडिट नोट्स हैं वो हम रिसीव करते हैं कब? जब आपने गुड्स को रिटर्न किया सप्लायर को, या फिर इनवॉइस में किया थी कोई मिस्टेक। इनका परफॉर्मा ही गिवन और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो हमारे पास test your understanding one। goods receipt note provides the, देखो जो goods receipt note है उसके ऊपर क्या चीजें होती है वो टिक करनी है हमने। information used to update the inventory records, कहते हैं इसमें वो information यूज होती है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? कि हम अपने इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को अपडेशंस देते GRN से। ये सही है क्या गलत? कर सकते हैं हम GRN से, गुड रिसीप्ट नोट से कर सकते हैं ना, ठीक है ना। गुड्स रिसीव नोट पे ही लिखा होगा ना कि हाँ जी ये गुड्स था, तो हम इसे करेंगे yes। तो इसको टिक करने। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन टू चेक दैट द करेक्ट प्राइस हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द सप्लायर्स इनवॉइस। ये तो हम गुड रिसीव नोट से नहीं करते, ठीक है ना, ये तो हमारा काम तो है ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन टू चेक दैट द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ गुड हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द सप्लायर्स इनवॉइस। कहते ये इन्फॉर्मेशन की जो करेक्ट क्वांटिटी है गुड्स की वो रिकॉर्ड की गई है। क्वांटिटी का काम गुड्स रिसीव वाले का, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टू रिकॉर्ड एनी अनयूज मटीरियल विच आर रिटर्न टू स्टोर। तो ये मटीरियल रिटर्न टू स्टोर का ये भी नहीं है, ये मैंने गलती से क्रॉस कर दिया बोला तो मैंने ठीक था ना। चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू देखो।
फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड विद इन द कॉस्टिंग सिस्टम. देखो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कौन से डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, नीचे उन्होंने यार ये वाली लाइन पढ़ो, विच टू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर मैच्ड विद द गुड रिसीव्ड नोट इन द बाइंग प्रोसेस. तो इन चारों में से सिर्फ वो वाले डॉक्यूमेंट्स मैच करने हैं जो किसमें यूज होते हैं, गुड रिसीव्ड नोट में. ठीक है, हाँ ठीक है. और बताओ, हाँ जी मुस्कान जी. क्यों जी? हाँ जी कोमल जी आप भी बोलो. फर्स्ट एंड सेकंड. मुस्कान आपको क्यों लग रहा है स्टोरी क्यूजिशन बताओ. रिक्वेस्ट तो फर्स्ट एंड सेकंड में आएगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए. चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थ्री. देखो द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर द रॉ मटेरियल्स. और नीचे देखो लिखा है विच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन बी यूज्ड टू अपडेट द स्टोर लेजर कार्ड्स फॉर इन्वेंटरी. तो कौन से डॉक्यूमेंट यूज करोगे आप किसको अपडेट करने के लिए, स्टोर लेजर कार्ड्स को. हाँ जी ठीक है. मटेरियल रिटर्न. हाँ जी मुस्कान जी. डिलीवरी नोट. सोचो जरा. क्या आएगा फर्स्ट दे डिलीवरी नोट. डिलीवरी नोट क्यों आएगा इसमें, किसके साथ डिलीवरी के साथ इसका मैच करेंगे. हाँ इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ही आएगा बस. गुड रिसीव नोट एंड मटीरियल रिटर्न नोट. कंफ्यूजन लग रही है मुस्कान को थोड़ी सी. नहीं मतलब ये बार अगर कुछ देखेंगे तो जैसे मतलब हम कहाँ जाएंगे. नहीं जी अभी ध्यान से लग ध्यान से सुनो ना. ठीक है चलो. इन्वेंट्री होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने स्टार्टिंग में किया ना. इन्वेंट्री होल्डिंग का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट. ठीक है. Most businesses, whether the whatever their size, will be concerned with the problem of which items to have an inventory and how much of each item should be kept. कि कितनी आइटम्स की आपने इन्वेंट्री रखनी है और how much, कितनी हमें रखनी चाहिए, कौन सी आइटम्स रखनी है और कितनी अमाउंट में रखनी है, वो चीजें. तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विल नीड टू बी हैव. कि हमें चाहे छोटा सा भी बिजनेस हो दुकान में कोई सामान तो रखेंगे, खाली दुकान तो लेके बैठ नहीं सकते कि हाँ जी कस्टमर आ रहा है जी अभी लेने जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं ना है. कुछ ना कुछ तो इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, चाहे आप छोटी सी शॉप खोल के भी बैठ जाओ फिर भी आपके पास स्टॉक तो होगा ना. ठीक है. हाउएवर द होल्डिंग इन्वेंट्री कॉस्ट मनी एंड द प्रिंसिपल ट्रेड ऑफ इन एन इन्वेंट्री होल्डिंग सिचुएशन इज बिटवीन द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड स्टोरिंग इन्वेंट्री एंड द लेवल ऑफ सर्विस दैट द कंपनी विशेस टू प्रोवाइड. कहते देखो होल्डिंग इन्वेंट्री कॉस्ट मनी या फिर प्रिंसिपल इसमें क्या है कि जो भी आप कॉस्ट पे कर रहे हो चीज को एक्वायर करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, तो उसको हम किसकी कैटेगरी में लेंगे, कैरिंग कॉस्ट की. द टोटल ऑफ कॉस्ट, देखो अपना ये सारा कुछ डिटेल में बता दी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना. टोटल कॉस्ट ऑफ हैविंग द इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ, के जब आप इन्वेंट्री परचेज करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगे, एक तो परचेज प्राइस, दूसरा होल्डिंग कॉस्ट. अब होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल टाइड अप, इंश्योरेंस, डिटोरिएशन. डिटोरिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन भी होता है. ठीक है, ऑब्सोलेसेंस की, हाँ जी ऑब्सोलेट हो चुकी है अब जरूरत नहीं है इसकी, डैमेज या पिल्फरेज, वेयरहाउस अपकीप एंड स्टोर लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. उसके बाद आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट. अब ऑर्डरिंग कॉस्ट में कौन से खर्चे आते हैं,
क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी आ जाएगी. द टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड. नहीं, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप ज्यादा प्लेस करोगे उतनी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी क्या होती है, पर ऑर्डर ज्यादा पड़ती है. देयरफॉर एग्जिबिट द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है ना, कि आपने सामान ज्यादा परचेज किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप किराया भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो सारी किसमें जाएंगी, अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट में. ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फ्यूल. ठीक है, स्टॉक आउट कॉस्ट, आइटम्स ऑफ द रिक्वायर्ड इन्वेंट्री आर नॉट अवेलेबल. देखो ये भी ना एक ना कैरिंग कॉस्ट की ही टाइप है स्टॉक आउट कॉस्ट, कि अब जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उसकी आपको जरूरत नहीं है. ठीक है, हो सकता है वो प्रोडक्ट अब बिकता ही नहीं है, बंद हो गया बिकना, तो लॉस ऑफ सेल्स. ठीक है, आपकी रेपुटेशन डाउन हो गई है, सेल्स कम हो गया, इस वजह से भी हो सकता है. लॉन्ग टर्म डैमेज टू द बिजनेस थ्रू द लॉस ऑफ गुडविल. ठीक है, प्रोडक्शन स्टॉपेजेस कॉज्ड बाय द शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल्स, एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉज्ड बाय द नीड फॉर द इमरजेंसी ऑर्डर्स, इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम, कॉस्ट मेंटेनिंग द स्कोर्स रिकॉर्ड कार्ड. ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, फिर अच्छे से समझ आएगा. और देखो नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री. होल्डिंग कॉस्ट कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिक्स होल्डिंग कॉस्ट एंड वेरिएबल. देखो दो चीजों में डिवाइड किया उन्होंने, एक तो फिक्स्ड में एक वेरिएबल में. फिक्स्ड में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज स्पेस. फिक्स्ड है ना, गोडाउन मैंने रेंट पे लिया है तो गोडाउन का रेंट फिक्स होगा. एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, वो भी फिक्स्ड है. नोट दैट द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस में भी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट है ना. स्टेप फिक्स का मतलब समझते हो ना, कि अगर हमें ज्यादा रखनी है तो हमें एक और वेयर हाउस भी लेना पड़ सकता है. तो उस केस में If increased warehousing is needed when the high volume of inventories are had. Variable में क्या आएगा, जैसे interest on capital. ठीक है ना, अगर मुझे पैसा चाहिए ना inventory purchase करने के लिए भी, अगर मैंने borrow करके inventory purchase की है तो मुझे उसके ऊपर interest भी pay करना पड़ेगा. अगर मैंने कम capital borrow की होगी तो मुझे कम interest pay करना है, अगर ज्यादा borrow करूंगी तो ज्यादा. The more inventory that is held, the more capital that is tied up. जितनी ज्यादा inventory रखोगे उतनी आपकी capital जो है उसमें block हो जाएगी. Holding cost को हम calculate कैसे करते हैं, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट. आपको गिवन होगी क्वेश्चन में कि एक यूनिट की आपको जो होल्डिंग कॉस्ट पड़ रही है वो कितनी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एवरेज इन्वेंट्री के साथ. अब एवरेज इन्वेंट्री किसके साथ निकलेगी, हाफ ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी. जितनी आपने ऑर्डर की है क्वांटिटी उसका हमने क्या कर देना है, डिवाइड बाय टू. तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री. तो एवरेज जो है हमारी कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, हमने कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट लेनी है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एवरेज इन्वेंट्री के साथ. एवरेज इन्वेंट्री किस कैसे निकलेगी, आपने जो आपकी इन्वेंट्री आपने डिमांड की है उसको डिवाइड किसके साथ कर दो, टू के साथ. ये हम करेंगे प्रैक्टिकल अब. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग. ये अभी हमने पढ़ी है कैरिंग कॉस्ट, अब पढ़ रहे हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट. अब ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कि जब हमने ऑर्डर प्लेस किया तो उसकी कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, जितने ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग. तभी हमने कहा ना वेरिएबल है, कि जितने ऑर्डर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ जाएगी. वेयर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर इज एक्सपेक्टेड एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय द ऑर्डर क्वांटिटी. क्यों, कि मेरी डिमांड है कि मुझे साल में इतनी चीजें चाहिए, उसको डिवाइड किसके साथ करूंगी, मेरी ऑर्डर क्वांटिटी के साथ. ठीक है, क्वेश्चन में आएगा अभी. द एनुअल टोटल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट इज, देखो अब वही आ गया, टोटल एनुअल कॉस्ट इज इक्वल है परचेज प्राइस, सीओ इंटू डी बाय क्यू. ये किसका फॉर्मूला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का, और ये किसका फॉर्मूला है, कैरिंग कॉस्ट. तीनों को ऐड करके हमारे पास टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाती है. क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलो, कॉस्ट ऑफ कैरिंग द बफर इन्वेंट्री. देखना ये वाला पॉइंट अपने आप पढ़ लेना. बफर इन्वेंट्री का मतलब है ज्यादा, जब आप ज्यादा इन्वेंट्री परचेज करके रखते हो तो उससे आपके क्या बेनिफिट्स होते हैं. ठीक है, ये आप पढ़ लोगे अपना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है. डिसएडवांटेजेस ये भी अपने आप पढ़ने हैं आपने, कि अगर हम कम स्टॉक लेंगे तो क्या होगा, ज्यादा ले लेंगे तो भी क्या होगा. बिल्कुल सिंपल, मतलब बच्चों वाले पॉइंट लिखे हुए हैं बस. ठीक है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएंगे, अगर दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना. वैसे मैंने बीच बीच में बता भी दी है ये चीजें. ठीक है, चलो मैं प्रैक्टिकल करा दूंगा अभी दो. ठीक है, अ कंपनी यूजेस द कंपोनेंट्स एट द रेट ऑफ 6000. कहते हैं कि कंपनी है वो कंपोनेंट्स को यूज करती है किस रेट के ऊपर, 6000 यूनिट्स पर ईयर, विच आर बॉट एट ए कॉस्ट ऑफ 1.20 ईच डॉलर फ्रॉम द सप्लायर. ये हमें बताया है कि एक चीज कितने में मिलती है, 1.20 डॉलर से. देन ए कंपनी ऑर्डर्स 1000 सच यूनिट्स ईच टाइम इट प्लेसेस एन ऑर्डर. कहते हैं जो कंपनी है वो कितनी कितना ऑर्डर प्लेस करती है, 1000 का. अब डिमांड कितनी है मेरी, देखो पर ईयर की 6000, कितना एक टाइम पे ऑर्डर दे रही हूं मैं, 1000. इट प्लेसेस एन ऑर्डर एंड एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड. अब देखो एवरेज इन्वेंट्री आपको बताई गई है कितनी है, 500 है. इट कॉस्ट रुपीज $20 ईच टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर.
कि एक बार ऑर्डर प्लेस करने का हमें कितना खर्चा पड़ रहा है, $20 पर ऑर्डर का खर्चा हमें गिवन है ना, कॉस्ट पर ऑर्डर, रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी, जितनी मर्जी क्वांटिटी ऑर्डर करी जो, पर एक ऑर्डर पे खर्चा कितना पड़ेगा, 20. द टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज 20. कैरिंग कॉस्ट की मैंने कितनी है, 20% पर एनम ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल यूसेज, एनुअल डिमांड हमारी कितनी है, 6000 की, डिवाइड किसके साथ करना है, ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज कितना है हमारा 1000, मल्टीप्लाई बाय उसकी कितनी है, हाँ 20 है ना, पर ऑर्डर की कॉस्ट करोगे तो आपके पास कितनी आ गई है, पॉइंट समझ में आ गया, हाँ जी उसका. ठीक है, उसके बाद है होल्डिंग कॉस्ट. अब होल्डिंग कॉस्ट कितनी है हमारे पास, देखो एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, 500 है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, $1.20, उसका कितने परसेंट लेना है हमने, 20% लेना है, तो हमारे पास कितना आ गया, क्लियर है ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. 4 देखो, अपने आप देखो इस बार इसको. अ कंपनी हैज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द कंपोनेंट दिस. ऑर्डरिंग कॉस्ट है $32 पर ऑर्डर प्लेस, परचेज प्राइस है $20 पर बॉक्स ऑफ द 10 कंपोनेंट्स, होल्डिंग कॉस्ट है 10% ऑफ द परचेज प्राइस, मंथली डिमांड है 1500, पर हमने कौन सी डिमांड ले ली होती है, एनुअल, ये मंथली है तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, कंपोनेंट इज करंटली ऑर्डर्ड इन बैचेस ऑफ 240 बॉक्सेस एट ए टाइम. एक बार में कितने बॉक्स आ गए, 240. द एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है 120 की, तो सब कैलकुलेट वही चीजें करनी है हमने इसमें, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, करो स्टार्ट करो इसको कैलकुलेट करना. सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट, मंथली डिमांड कितनी है हमारे पास, तो ईयरली कितनी, हाँ कंपोनेंट्स की आएगी, देखना ध्यान रखो ऊपर क्वेश्चन में कि मैंने परचेज प्राइस जो है वो 20 पर बॉक्स है ऑफ 10 ना. ठीक है, तो इसके साथ डिवाइड करो तो आपके पास ऑर्डर का साइज आ जाएगा, 18,000 को कितने साथ डिवाइड कर दे 10 के साथ, तो भी एक उसकी आ जाएगी, तो हमारे पास कितनी आ गई, 1800 मल्टीप्लाई बाय 32, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 32 इंटू 240 बॉक्सेस है ना, 240 के साथ भी डिवाइड करो ना यहाँ पे, एक बार ऑर्डर कितना हमने 240 बॉक्सेस का ऑर्डर करना है, करंटली ऑर्डर्ड इन द बैचेस ऑफ 240 बॉक्सेस एट ए टाइम. ठीक है, तो किसके साथ डिवाइड करेंगे हम, 240 के साथ, ये कंपोनेंट्स में था ना, इसको मैंने बॉक्सेस में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको 240 के साथ डिवाइड करूंगी, मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगी, 32 के साथ, तो मेरे पास कितना आ रहा है, नियर अबाउट 240 आ रहा है ना, $240. ये हमारी क्या आ रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट. कोमल आपको समझ में आ रहा है, चलो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो. परचेज प्राइस 20 है, उसका 10% करेंगे. ठीक है, एवरेज हमें गिवन ही है 120, तो 240 आ गया, ये भी हाँ वैसे हमेशा सेम आएगा आपको पता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर ऑलवेज इक्वल. अगर आपकी इक्वल नहीं आ रही है, मतलब आपके क्वेश्चन में कोई गलती हुई. समझ में आ गया.
चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, रीऑर्डर लेवल्स। अब रीऑर्डर लेवल का मीनिंग क्या है कि मेरे पास मेरे गोडाउन में कहां तक स्टॉक आ जाए कि उसके बाद मैंने नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है, मान लो मेरे पास जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है उसमें बल्क में यूज हो रहा है 3000 स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मैंने अपने उसमें बनाया कि जब मेरे पास, मतलब पहले ही मुझे बता दो जब 2800 पर आ गया या 2500 तक आ गया, मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं साथ ही ऑर्डर प्लेस कर दूं ताकि वहां पे स्टॉक की कमी ना हो और मेरा वेयर हाउस मुझे एक में ही मेरा गुजारा भी हो जाए। ठीक है ना, अगर मैं बहुत ज्यादा बल्क में मतलब परचेज करके रखूंगी तो मुझे ज्यादा जगह भी तो चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे ही वो चला गया सामान, मतलब उसके जाने से एक दिन पहले ही मुझे इन्फॉर्मेशन आ जाए कि हाँ जी स्टॉक खत्म होने वाला है और मैं पहले ही क्या कर दूं, अपना ऑर्डर प्लेस कर दूं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, के किस लेवल पे आप दोबारा ऑर्डर पास करने के लिए बैठे। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल इज द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड व्हेन अ रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर शुड बी प्लेस, मतलब जब नया ऑर्डर प्लेस करना है हमने। इट इज कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस टू द टाइम, तो हम टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको। इट विल टेक टू रिसीव द ऑर्डर, ठीक है ना, कि कितने दिनों में मुझे नया ऑर्डर मिल जाएगा एंड द पॉसिबल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, और जो जितने टाइम पीरियड में मुझे नया ऑर्डर मिलने वाला है वो टाइम का जो गैप है उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है। इफ द डिमांड इन द लीड टाइम इज कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट चल रही है, मुझे पता है कि इतना मेरे पास स्टॉक पड़ा है तो ये लीड टाइम में चल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो रीऑर्डर लेवल को हम कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूले के साथ कि आप मैक्सिमम यूसेज कितनी है आपकी, कितना यूज करते हो आप, मल्टीप्लाई बाय द मैक्सिमम लीड टाइम, कितना टाइम जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ये इसका फॉर्मूला है, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। A company uses the component M at the rate of 1500 per week. एक वीक में कितना यूज होता है उसका, 1500। ठीक है, द कंपनी ये मैक्सिमम यूसेज होगी ना 1500। ठीक है, द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग इज 5 weeks, कि मैंने आज ऑर्डर किया तो मुझे कितने दिनों में मिल जाएगा, 5 हफ्तों में, तो मेरा लीड टाइम कितना हो गया 5 weeks, तो रीऑर्डर क्वांटिटी उन्होंने कितनी दी है 12,000 units। तो हमें तो इसमें कुछ नहीं करना क्वांटिटी का, क्योंकि हमने सिर्फ रीऑर्डर लेवल पता करना है, तो उसके लिए क्या यूज होना है, सिर्फ और सिर्फ यूसेज इनटू लीड टाइम। तो यूसेज कितनी है मेरी 1500 यूनिट्स की और टाइम कितना जा रहा है 5, तो कितना आ गया 7500। क्लियर है, ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 करो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलो बहुत है इतना ही। नेक्स्ट कंसेप्ट हम कल स्टार्ट करते हैं, ईओक्यू। ये नया कंसेप्ट है बिल्कुल, मतलब जो टॉपिक हमारा आज का था वो फिनिश हो गया। ठीक है, एक ईओक्यू का पॉइंट आएगा, मतलब उसके भी न्यूमेरिकल्स हैं, फिर फिफो लिफो मेथड, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ABCO, ये 3 मेथड है हमारे पास इसमें, और ये EO, मतलब बहुत कोशिश करेंगे सैटरडे तक फिनिश करते हैं। ठीक है, पढ़ लेना पर अच्छे से, जो भी हमने वो पढ़े ना गुड रिक्विजिशन वाले पॉइंट, वो अच्छे से समझ लेना एक बार।